Good morning, students. I'm your teacher. You know me? I'm your teacher. What's my name? My name is Sakshi. Today, we will study maths. Okay? Our topic is on long and short. You know, long. What do you mean by long? Long means, कुछ ऐसी चीज जो साइज में बड़ी हो, लंबी हो, लाइक हॉरिजॉन्टली लंबी हो. ओके, लॉन्ग मींस कोई सी ऐसी चीज जो साइज में हॉरिजॉन्टली लंबी हो. ओके, जो अब मतलब जो वर्टिकल लाइक स्ट्रेट अपनी प्लेस पे स्टेबल नहीं हो सकती. ओके, सो लॉन्ग में कुछ ऐसी चीज जो हॉरिजॉन्टली लंबी हो. ओके, एंड शॉर्ट मींस कुछ ऐसी चीज जो छोटी हो. ओके, सो वी हैव सम एग्जांपल्स फ्रॉम लॉन्ग एंड शॉर्ट. इट्स अ स्केल. ओके, ये स्केल है. कैसा है ये? लॉन्ग है या शॉर्ट है? इसके बराबर में कैसा है ये? शॉर्ट स्केल है. ओके, ये स्केल शॉर्ट है. ओके, अब ये स्केल कैसा है? ये स्केल लॉन्ग है. ओके, देखो ये हॉरिजॉन्टली है, मतलब ये स्टेबल नहीं है अपनी प्लेस पर, नहीं है ना, इसलिए इसे हम लॉन्ग बोलेंगे. ओके, हॉरिजॉन्टली कोई सी चीज जो अपने साइज में लंबी हो या बड़ी हो. ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है, है ना, तो ये लॉन्ग स्केल हो गई. ओके, और ये शॉर्ट स्केल हो गई. ओके, सम अदर एग्जांपल्स आर पेंसिल. इट्स लॉन्ग पेंसिल. ओके, ये पेंसिल कैसी है? लॉन्ग पेंसिल है, है ना, और ये पेंसिल कैसी है? शॉर्ट पेंसिल है ना. देखो, लॉन्ग पेंसिल, शॉर्ट पेंसिल, लॉन्ग पेंसिल, शॉर्ट पेंसिल, है ना. अब आप अपनी बुक निकालो और पेज नंबर 5, सी पेज नंबर 5, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट. ठीक है, क्या है यहाँ पर? लॉन्ग और शॉर्ट टेल्स अस अबाउट द लेंथ. लॉन्ग और शॉर्ट में किसके बारे में बताते हैं? लेंथ के बारे में. ओके, हियर इट्स अ स्नेक. स्नेक कैसे बोलते हैं? स्नेक, स्नेक, स्नेक कैसा है? लॉन्ग है. स्नेक कैसा आता है? लॉन्ग आता है. ओके, और इट्स अ लैम. लैम कैसा है? लैम्प शॉर्ट है. स्नेक की कंपैरिजन में लैम्प कैसा है? शॉर्ट है. ओके, समझ आया? तो अब आप पेज नंबर 6 ओपन करो. यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, टिक द लॉन्गर ऑब्जेक्ट. हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लॉन्ग है उन पर टिक लगाना है. उसमें यहाँ सर्कल दिया हुआ है ना, देखो सब पर एक एक सर्कल दिया हुआ है ना, तो इनमें से जो ऑब्जेक्ट लॉन्गर है उस पर क्या करना है? टिक लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे
पेंसिल है और क्रेयॉन है, तो पेंसिल और क्रेयॉन में से लॉन्गर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा बताओ, कौन सा है दोनों में से लॉन्ग? क्रेयॉन है क्या? नहीं, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है पेंसिल, है ना? देखो पेंसिल क्रेयॉन से लॉन्ग है ना, और क्रेयॉन पेंसिल से शॉर्ट है, इसलिए लॉन्ग ऑब्जेक्ट है पेंसिल। तो अब आप अपनी अपनी बुक में पेंसिल के सर्कल पर टिक करो, ऐसे ऐसे टिक करो, ओके। यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी है, इट्स अ पेन, ये पेन पे एंड ये शॉर्ट पे, ओके। तो पेन शॉर्ट से लॉन्ग है कि शॉर्ट है? यस, पेन तो शॉर्ट से लॉन्ग है एंड शॉर्ट्स शॉर्ट है। सो पेंट पे टिक करो, पेंट वाले सर्कल पे टिक करो, ऐसे। एक बार और डिवाइस
कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टली अपने साइज में बड़ा हो